गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त हो गए गाइज। अभी तो बज रहे हैं कुछ दोपहर के 11। आज आपके भाई का काम काफी जल्दी खत्म हो गया, जो भी दूसरा काम अपना चल रहा है वो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपन चलते हैं नवसारी, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो सरप्राइज काफी मस्त होने वाली है, बट होपफुली अपने बजट के हिसाब से एग्जीक्यूट हो तभी हो पाएगी। बट हाँ, डेफिनेटली ये सरप्राइज आप लोगों को काफी टाइम से मिलने वाली थी, बट आज जाके देखते हैं कि वो सरप्राइज भी क्या है आपके लिए। और मेरे को कल दशहरा है तो कार के लिए हर बार फूल वूल सब कुछ लेना है, क्योंकि दशहरा की पूजा करना काफी जरूरी है, व्हीकल हो या कुछ भी हो। तो आई होप आप लोग भी आपकी नवरात्रि काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड हाँ, काफी लॉन्ग टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है एक्चुअली, बट काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड था दूसरे वर्क में और ये सब टाइम मिल ही नहीं पा रहा था एक्चुअली। बट कोई नहीं, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वैसे भी यूट्यूब है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक छोटी सी सरप्राइज दे, और ये सरप्राइज आप लोगों को डिसाइड करके मेरे को देनी है ताकि हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें। बट हाँ, आपको इस वीडियो में कुछ नया मिलने वाला है देखने को, बट होप से कि शोरूम पे वो चीज़ अवेलेबल हो तभी अपना काम हो पाएगा। तो अपन भाग लेते हैं यहाँ से पहले, क्योंकि जाने में टाइम लगेगा और कार की पॉलिश और ये सब कुछ भी मेरे को लेना है, तो ये सब कुछ भी लेते हैं और सरप्राइज भी आप लोगों को दिखाई दूंगा ताकि आप लोग भी कुछ मेरे को डिसाइड करके दे सके, और आपकी राय के कारण ही मैं लूंगा। तो आप लोग मेरे को वॉट करके जरूर बताना इस चीज़ के लिए। कुछ 2-3 कैटेगरी की बाइक्स एक्चुअली है, बताई देता हूँ, जो कि आप लोगों को मेरे को डिसाइड करके देनी पड़ेगी, तभी हम लोग कुछ ना कुछ इसके ऊपर कर पाएंगे। तो निकल लेते हैं पहले यहाँ से ताकि अपने को टाइम ना लगे जल्दी से, क्योंकि आगे कार भी वॉश करवानी है। पैसे तो मैं घर पे ही वॉश कर लूँगा, बट हाँ टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है ना कार वॉश करने में। और गाइज, अभी तो निकल चुका हूँ घर से एज यू नो, बट हाँ इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना इस चीज़ को लेके, होप सो कि टाइम पे वर्क करे अपनी ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई। और जो बाइक्स होने वाली है कैटेगरीज, वो आप लोगों को इन द लास्ट में ही बताऊंगा ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाओ एंड आप लोग मेरे को प्रॉपर आइडिया दो एक्चुअली। बट अभी अपने को एक दोस्त को पिक करना है, होप सो कि वो फ्री हो, अदरवाइज अपन ऐसे ही निकल जाएंगे। बट हाँ गाइज, अभी चलते हैं अपन मस्त से, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक्चुअली कार भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड मेरे को हवा चेक करवानी है। मेरे को लगा अलाइनमेंट बैलेंसिंग गया होगा, बट हवा बिल्कुल भी है नहीं अपनी कार में, तो वो चेक करवानी है। एंड गाइज सॉरी फॉर दैट कि वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है एक्चुअली, बट हाँ कुछ टाइम में कुछ काम में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बट होपफुली अभी मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स दे पाऊँ आप लोगों को, एंड शॉर्ट्स वीडियो भी काफ़ी वैसे रेगुलर आ रहे थे और अभी व्लॉग भी आना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेरे को ना पहले से ही गाइज आप लोगों को बताओ तो मोटो व्लॉगिंग का ना इतना ज़्यादा कीड़ा था, मैंने यूट्यूब भी इसी वजह से किया था, बट अभी फैमिली प्रेशर की वजह से अपने कार ले ली थी उस टाइम पे, अदरवाइज अपने पास एक सुपर बाइक होती डेफिनेटली, बट फैमिली का सोच के और ये समझ के हमने कार डिसाइड करी थी। बट अभी बाइक की बारी है तो धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड करेंगे। बट मैंने सोचा क्यों ना बड़े पे जंप करने से पहले कुछ छोटा करा जाए, तो छोटे की चीज़ में ही निकल रहा हूँ अभी। तो होप सो कि अपना काम जो भी है वो टाइम टू टाइम वर्क करे, एंड कार में भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को कुछ करवाना है, लाइक डैश कैम भी लगवाना है, और अभी दिवाली भी आ रहे हैं तो वो भी खर्चा है, तो सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ रहा है मेरे को, तो ये सब कुछ मेंटेन करके अपन चलेंगे। बट हाँ, अभी जा रहे हैं नवसारी और रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाएंगे, और GT 650 मेरे को चेक करनी है आज, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं गया था ना एक दिन, उस टाइम पे भी थी नहीं, बट होप सो कि वहाँ पे हो एंड अपने पास जो भी प्राइस लिस्ट और ये सब कुछ आ जाए, तो अपन 3-4 बाइक कंपेयर करेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे क्या ही बजट में बैठती है और कितने टाइम में मिलती है और सब कुछ। और मोटो व्लॉगिंग में करूँ तो आप लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और गाइस देखिए, अभी क्या ही गर्मी है, लाइक का प्रॉपर समर वाली वाइब्स देती है, बट क्या करें अभी अपन झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दिवाली तक तो गर्मी रहेगी। रात को काफ़ी मस्त प्लेजेंट वेदर रहता है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बट अपन यहाँ से हवा चेक करवा लेते हैं अपनी कार में, तो अपने आप मस्त हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी डामाडोल चल रही है अपनी कार भी वैसे। होप सो कि हवा वाला भी हो, यहाँ पर ना कटे अपना कुछ चूना है एक्चुअल में। और गाइज अभी मैंने हवा भरवाई एक्चुअली, तो बंदे ने मेरे को चूना लगाया क्या मालूम नहीं, लाइक मैंने हवा तो भरवाई, काफ़ी कम थी हवा वैसे कार में लगी रहा था, बट उसने बोला सेम ही है, लाइक हवा ही नहीं भरी, उसने चेक करके छोड़ दिया। और तो मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कि हवा कम है इसके अंदर, अभी अलाइनमेंट गया होगा या फिर हवा कम होगी, क्योंकि एक साइड खींच रही है थोड़ी बहुत, अभी रास्ते की वजह से भी हो रही होगी, क्योंकि 10,000 पे वैसे भी मैं करवा लेता हूँ, वैसे करवानी चाहिए 5,000 पे, बट अपनी कार इतनी रफ रोड पे चलती नहीं है, खड्डे वड्डे में पड़ती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ही करवाना फालतू का। तो अभी देखते हैं, शायद से अलाइनमेंट ही गया होगा तो करवा लेंगे एक दिन जाके, बट होप सो कि ना ही गया हो, क्योंकि इसके ऊपर टायर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है और टायर काफ़ी जल्दी ख़त्म होते, तो कोई नहीं अभी हवा चेक करवा ली तो अंदर से हाँ हो गया कुछ काम ऐसा लगा, बट कोई नहीं अभी चलते हैं अपन। और ये गर्मी ना गाइस,
मार देगी, किस डेफिनेटली मार देंगी यार, काफी ज्यादा भयंकर गर्मी है। बट अभी क्या कर सकते हैं, फेस्टिव सीजन है तो वेदर काफी मस्त है। अभी का जो दिवाली वाला वेदर होता है ना गाइस, एक नंबर होता है। लाइक आप लोग ट्रिप पे भी निकल जाओ ना तो आपको लगता है हाँ मस्त से वेदर में अपन चल रहे हैं, क्योंकि कुछ गर्मी नहीं होती है दिन को भी इस टाइम पे। बट अभी वो प्लेजेंट वेदर आना बाकी है, अभी तो दिन में भी काफी मस्त हो जाएगा। तो अपन चलते हैं पहले रॉयल एनफील्ड, और बाद में यहाँ से अपने को पिक करना है फूल हार, और कार पॉलिश भी लेनी है एक्चुअली, वो भी लेके निकल जाएंगे अपन घर की तरफ। और आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी बाइक है, क्या प्राइसिंग है। वैसे तो नाम बता दिया, बट प्राइसिंग और ये सब कुछ अपन कंपेयर करेंगे, और आप लोग ही मेरे को सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अभी पहुंचते हैं और मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट आरी के शोरूम पे। सो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, अभी जाके देखते हैं क्या ही सीन बनता है अपने यहाँ पे। हाँ तो क्रोमा जाओ से આ ક્યાંનું મોડેલ છે એક્ચ્યુઅલી? सो गाइज आप लोगों ने बाइक तो देखी ली होगी, कस्टमर की थी वहां पे, बट डेमो में नई वाली नहीं थी। जो अपने को चाहिए एक्चुअली वो कलर भी अवेलेबल नहीं था, बट हाँ अपनी बाइक वहां पे खड़ी थी। और कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैंने ट्राई नहीं करी क्योंकि कस्टमर की थी, अदरवाइज कोई मिल गई अपने को टेस्ट राइड के लिए तो अपन देख लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को काफी पसंद है बाइक। मालूम नहीं क्यों कैफे रेसर्स मेरे को काफी पसंद है पहले से, क्योंकि एंटिक लगता है ना कुछ, लाइक मैं रेयर ही यूज करूंगा, मोटर व्लॉगिंग के लिए स्पेशल यूज करूंगा कुछ। हम टूरिंग तो नहीं कर सकते ऐसे जितनी लॉन्ग, बट हाँ प्लान डेफिनेटली करेंगे। और आप लोगों को कैसी लगी है बाइक मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बट इसके कंपैरिजन में मेरे को दो तीन और भी बाइक है जो कि चेक करनी है, बाद में अपन डिसाइड करेंगे इन फ्यूचर। बट हाँ इसकी प्राइसिंग और ये सब कुछ भी बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया आए कि कितने की पड़ेगी और कौन सी बेस्ट रहेगी अपने लिए। सो गाइज अपन आ चुके हैं घर पे, एंड जो भी काम था अपने वहाँ पे हो गया। एंड आप लोगों को बात करनी थी मेरे को लाइक बाइक को लेके पहले, बट मैंने लास्टली ये परचेस कर ली पॉलिश। काफी लोग मेरे को पूछते रहते कि भाई आपकी कार का ग्लॉस का क्या राज है, आपने कुछ सिरामिक नहीं करवाया, पीपीएफ नहीं करवाया, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ही नहीं किया कार पे, तो आप ग्लॉस कैसे रखते हो? जो भी पीपीएफ और सिरामिक से ज्यादा ब्लैकिश लगती है, तो गाइज इसका राज है ये। आप लोग देख सकते हैं पॉलिश है फॉर्मूला 1 की, इजिली अप्लाई करके वाइप कर दो सूखने के बाद, काफी मस्त हो जाता है। और आप लोगों को चाहिए तो इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे आज हम लोग, तो आप लोगों को प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये कुछ है इसका रज अपनी कार की ग्लॉस का एक्चुअली, तो एक्सटीरियर में ही आप लोग यूज कर सकते हो लाइक बॉडी पार्ट पे, और प्लास्टिक और ये सब पे नहीं करना रफ पार्ट पे, तो आपका पार्ट सब कुछ बिगड़ सकता है। तो कैसे ये कुछ है, और अभी बात करते हैं अपन मेन टॉपिक के ऊपर जो की है बाइक अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी। इसका अपने पास प्रॉपर कोटेशन आ चुका है, हालांकि बाइक तो वहां पे अवेलेबल नहीं थी, बट एक डेमो में सॉरी सर्विस में आई हुई थी कस्टमर की, जो भी काफी पुराना 18-19 वाला वेरिएंट था, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं उस टाइम के कलर। बट अभी जो ग्लॉस अपना क्रोम वाला है ना एक नंबर है, जो आप लोगों को अभी डिस्प्ले पर दिख रही होगी, तो ये कलर अपन चूज कर रहे हैं। बट कॉन्टिनेंटल GT650 अपने को पड़ती है कुछ एक्स शोरूम 3,45,000 रुपीज, और सब कुछ RTO मिला के अराउंड अपने को सब कुछ ही मिला के अराउंड 4,00,000 में एग्जैक्ट कंप्लीट होती है। तो आप लोग समझ लीजिए कि सब कुछ एसेसरीज के साथ अपने को 4,50,000 रुपए में कंप्लीट मिलती है। तो अपने एक तो हो चुकी है टेस्ट में, लाइक ये एड ऑन कर ली है हमने, अभी इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे दो तीन और बाइक्स हैं लाइक ड्यूक 390। देन कोई कंपेरेबल नहीं है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी सेगमेंट में जो भी इतनी प्राइस रेंज में तो कौन सी बेस्ट है, बाद में अपन डिसाइड करेंगे। और BMW GS310 जो कि हमने ट्रेस कर रखी है, वो भी 4,00,000 समथिंग में रेडी हो जाती है। अभी G310 भी है, वो भी हम लोग ट्रेस करेंगे, और एडवेंचर 390 भी हम लोग ट्राई करेंगे, और हिमालया जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए रखेंगे। अभी इतनी बाइक्स हम लोग चेक करेंगे इन द लास्ट, सब कुछ बाद में ही हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के लास्ट में चॉइस तो यही होने वाली है अपनी, पर देखेंगे क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो में कुछ नहीं था लाइक बाइक के लिए मैं गया था, बट वहाँ पे अवेलेबल थी नहीं, क्योंकि कुछ अपने यहाँ पे छोटा सा शोरूम है, तो है शोरूम काफी बड़ा, बट इतनी ज्यादा
है नहीं बाइक्स, लाइक सिटी में दो तीन ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी देख के आते शोरूम में, कल दशहरा है तो आज ही चेक करके आते ताकि वहाँ पे किसी कस्टमर ने मंगवाई हो तो मिल जाएगी देखने को, बट मिली नहीं। बट कोई नहीं, अभी आने वाले टाइम में इसकी टेस्ट राइड भी लेगे वहाँ पे अवेलेबल होगी तो, या फिर कोई दूसरी स्टेट या स्टेट या सिटी में जाके टेस्ट राइड लेगे, बट लेगे जरूर। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुपर बाइक लेगा ये सब कुछ सस्पेंस रख के, नहीं भाई अपने बजट में ये है तो यही लेंगे, अदरवाइज ये भी वी नेवर नो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।